जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? सर एक हम नई ज्वाइनिंग कराए हैं मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, अच्छा और वो उसके पास जो लोग हैं वो एमवे के अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छा तो वो जब से जुड़ा है तब से वो जो है एकदम मैंने मेरा माथा खराब कर दिया है। प्रूफ क्या चाहता है? मांग रहा है तो ये मांग रहा है, एमवे में ये प्रूफ है नहीं, एमवे से तुलना कर रहा है। तो कंपैरिजन मेरी ना जो करें तो मेरी मेरी जो क्षमता है उसको तो हमने डील किया है, लेकिन अब वो जो है घबरा रहे थे तो हम सोचे आपसे बात कराते हैं। नहीं चलेगा, बात कर लेते हैं। लेकिन अगर वो बाल की खाल निकालने की बात कर रहे हैं, ये प्रूफ लाओ वो प्रूफ लाओ, तो फिर तो उनका दिमाग, प्रोडक्ट बेस्ट वालों का दिमाग जगह पे रहता नहीं है। तो तो थोड़ा सा एक होल्ड रखिए, हम बात करा दें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put मिश्रा जी, हाँ सर, बात कीजिए, सर मिश्रा जी जी हैं नमस्कार, बात कैसे कर। हाँ सर, हाँ सर, नमस्ते। ठीक हैं सर? है सर, थोड़ा एमवे में हैं आप? नहीं एमवे में, नहीं एमवे में हम जुड़ चुके हैं, उसमें लगभग साल भर 6 महीना काम किए थे। हाँ अच्छा, 1999 में आई थी ना एमवे, पेरेंट कंपनी है एमएलएम की, दुनिया की सबसे पुरानी। हाँ 99 में एक, हाँ 2001 जैसा भी हो, मतलब हम जुड़े थे अच्छा, 2019 या 20 उसमें जुड़े थे। तो ओके ओके, बहुत अच्छे सर। उस हाँ तो उसमें हम कम से कम 18 से 20 हज़ार का प्रोडक्ट भी ले चुके थे, हाँ, और हम हमारे नीचे जो लोग थे जो है वो लोग निष्क्रिय हो गए थे, मतलब न ले पाए न कुछ कर पाए, न उनका खाता ग्रीन हो पाया। उसमें खाता जो ग्रीन होता है एक्टिव होता है, तो अब जब हमारे नीचे वाले जब लेंगे तब ना हमको उसका कमीशन मिलेगा, या उस बिल्कुल जो बिल्कुल, सब जो हाँ उसमें रोजमर्रा की जैसे जो चीज़ है साबुन मैं तेल जानता हूँ मंजन सर। ये सब। उन्नीस सौ हाँ तो निन्यानवे में जब कंपनी आई थी तो मुझे और मेरे दोस्तों को, बहुत सारे लोगों ने इसको किया था उसमें काम, और हाँ पेस्ट हुआ करता था इसका, थोड़ा सा पेस्ट लगाओ और उससे डालिए, हाँ तो हाँ बड़ी हाँ सारी चीजें हाँ थी उस तो टाइम पे, कार वॉश हाँ तो का इस था। तो अब पहले तो ज़्यादातर अब तो ऑनलाइन वो भी हो गया है, सब सिस्टम उसका भी ऑनलाइन हो गया है। हाँ, प्रोडक्ट बेस आजकल ऑनलाइन ही है, क्योंकि डोर टू डोर विजिट करना और कोरोना की वजह से तो ज्यादा झमेला हुआ है। हाँ तो हमको तो 5 6 महीना हुआ था, हमको दो रिवार्ड मिला था, तौलिया भी मिला था उसमें, अच्छा, तो सामान लेने पर जो है तो दो तौलिया भी मिला था, और मिलता है आगे। लेकिन हमें इसमें थोड़ा लगा कि हम इसमें समय ज़्यादा देंगे तो हम तो नरेगा मनरेगा योजना है उसमें काम भी करते हैं, हाँ, तो हम ज़्यादा समय इसमें देंगे तो हम इधर नहीं कर पाएंगे हम, तो हमें लगा कि और तो फिर इसको हमको छोड़ना पड़ा। हम वो हमको बाबा फोन भी करते थे, जिसको आज हम जिसका नंबर दिए हैं प्रमोद गुप्ता हैं, हाँ। आज वो एमेटिक्स होने वाले हैं, हमको तो बता रहे थे क्या होने वाले हैं क्या नहीं, हमको तो यही बता रहे थे कि एमेटिक्स होने वाले हैं। वो हाँ बीस हाँ से हाँ बाईस हाँ लाख रुपया उनका जो फंसा है साल डेढ़ साल, उसमें ये कह रहे हैं कि हमको साल डेढ़ साल हम डिस्टर्ब नहीं होना चाहते हाँ हाँ और हम अपना लगे हैं इसमें। हम कह रहे ना आप करिए, उससे दिक्कत नहीं है, हमको जो आपको बताना था हम सोचे बता दे आपको, आप इसमें हैं आप हाँ हाँ जो है जल्दी प्रमोशन कर जाएंगे इसमें भी, बिल्कुल बिल्कुल, बस उसमें अकाउंट ही खुलवाना पड़ेगा और तो कुछ करना नहीं पड़ता, और जो उसका सिस्टम है वो अपने सिस्टम से इनकम होता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो ये सब उनको हम बताए, लेकिन कहने रहे यार आप नहीं समझ रहे हैं, हम दोनों तरफ जो है दिमाग नहीं लगा सकते। कहने हमारे सर से एक है उनसे बात कर लीजिए, नंदराज सिंह नाम है उनका, अच्छा अगर अच्छा वो अगर उनको समझ में आ जाएगा तो हम भी देख लेंगे। कहने का मतलब कि वो उनके भरोसे हैं, तो नहीं, हम नंबर हाँ नंबर सर त्रिपाठी सर को दिए हैं, उनका भी नंदराज सिंह का भी नंबर दिए, वो भी एमए में काम करते हैं। और हाँ तो और एक जो है संजय सिंह थी, वो भी हमारे मिश्रा फॉलो। मिश्रा मिश्रा सर जी, मिश्रा जी, हाँ मिश्रा जी, आप जो है पैटर्न पे आइए। जैसे आपने कुछ चीजें मांग रहे थे, हाँ, हाँ हाँ सर, हाँ तो तो वो सर उन उन मुद्दों लोगों पे का बात ये भी, कीजिए। हाँ तो एक हमारे संजय सर उनसे बात हुई, तो वो कह रहे हैं कि अगर कंपनी अमेरिका की है, अगर सही है, अगर ये नेटवर्किंग सिस्टम है इसका हर चीज़ सही है, तो बात यह है कि इसमें अगर भारत से एमएलए का है तो मान्यता प्राप्त है। और उसमें मोदी भी कितना उसमें प्रोत्साहन भी कर चुके हैं, मतलब कि लोगों को एमएलए के प्रति, तो उसमें उस सरकार से मान्यता प्राप्त रहती है, जो भी कंपनी का सर्टिफिकेट होता है उसका प्रमाण होता है, यही सब जो है हमसे पूछ रहे थे। तो हमका ये सब तो सब उसमें ऑनलाइन है, सब आप गूगल के सर्च करके देख लीजिए।
देखिए सर, क्या हम तो होता है ना, प्रोडक्ट बेस वाले जितने भी हैं वो सब सर्टिफिकेट प्रोडक्ट बेस का ही मांगते हैं, जबकि अच्छा डिजिटल डिजिटल सर्टिफिकेशन अलग होता है। अब ISI जो होता है वो ब्लास्ट होने वाली चीजों को मिलता है। अब वो कहते हैं एग मार्क क्यों नहीं मिला कुकर को, कुकर को एग मार्क नहीं मिलता, वो मसालों को मिलता है, ISI अच्छा मिलता है कुकर को। ये कह रहे हैं कि जो हाँ प्रोडक्ट बेस को मिला हुआ है वही इस डिजिटल प्रोडक्ट को मिलना चाहिए। वो कह रहे हैं कि अच्छा जो मानक उसके लिए तय किए गए हैं वो मानक इसके लिए तय किए गए हैं, ऐसा नहीं है। प्ले स्टोर पर 10 लाख एप्लीकेशन हैं, गूगल प्ले स्टोर, जिस भी देश को कोई ऑब्जेक्शन है वो देश उस साइट को बंद कर सकता है। जैसे भारत ने टिकटॉक बंद किया, भारत ने पबजी बंद किया, चाइनीज एप्लीकेशन थी और बहुत सारी ऐसी हाँ एप्लीकेशन बंद की। जब भारत सरकार को लगेगा कि कोई चीज गलत है, व्यवधान डालती है, नुकसान करती है, कानून के दायरे में नहीं आती, तो सरकार उसे कभी भी शट डाउन कर सकती है। तो ये पिछले हाँ 6-7 साल से चल रहा है और सरकार की साइबर सेल जो होती है वो इन सभी चीजों पर नजर रखती है कि कौन सी एप्लीकेशन का फायदा है, कौन सी चीजों का नुकसान है, और अगर सरकार को लगता है कोई चीज नुकसान पहुंचाती है तो सरकार उसे बंद कर सकती है। तो पहली बात तो ये एक फाइनेंशियल एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर है, बाकी के वॉलेट्स की तरह ही है, जैसे गूगल पे है। जरूरी नहीं कि आज गाँव के हर आदमी के पास गूगल पे है, सबके पास फोन पे है, आज भी नहीं चलाना आता है लोगों को, वो आज भी कीपैड वाला फोन इस्तेमाल करते हैं। तो लोगों को आज भी डिजिटल ट्रांजेक्शन को करना और उसको बढ़ावा देना, मोदी सरकार तो चाहती है कि डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़े, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, इसीलिए तो ग्रामीण बैंकों में इतनी लंबी लंबी लाइन लगती है। जैसे मान लीजिए अगर ये भी फेल हो गया तो इसको भी सरकार आगे चल के बंद कर सकती है। सरकार तो स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर को बंद कर दिया, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर को बंद कर दिया, बड़े सारे बैंक बंद। हेलो हेलो, द पर्सन यू आर स्पीकिंग। हेलो, हाँ सर, हाँ सर, रुकिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात, हेलो। हाँ सर, तो सर, सरकार के हाथ में तो सारी चीजें हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सरकार से एयर इंडिया नहीं चली, बंद कर दी, BSNL बेच रही है, MTNL बेच रही है, सरकार तो बहुत कुछ बंद कर रही है जो सरकार से नहीं चलता है। तो सरकार के हाथ में सारी पावर है, सबसे ऊपर तो तो सर सरकार ही है बस, ना। हाँ बस यही एक गारंटी वाली बात पूछ रहे थे, जैसे कह रहे थे गारंटी जैसे नहीं मान है सर, लीजिए, हाँ गारंटी जैसे नहीं ये है भी, कोई भी। हाँ जैसे ये भी पूछ रहे थे कि बैंक है तो उसमें तो हम मान लीजिए इतना पैसा हम डाल दिए तो हमको 10 साल बाद दुगना मिल जाएगा, लेकिन इसमें क्या गारंटी है कि हम काम नहीं कर रहे हैं कि हमको 8 साल 10 साल बाद इतना पैसा मिल जाएगा, सर बस बैंक, यही क्वेश्चन सुनिए पूछ रहे सुनिए, थे। मैं पहली बात आपको ये बताऊं कि बैंक जो घपला करते हैं ना, बैंक जो घोटाले करते हैं, जो लोन लेकर के लोग भाग जाते हैं देश से बाहर, इन्हीं सब हाँ चीजों का तोड़ निकालने के लिए डिसेंट्रलाइज व्यवस्था शुरू हुई थी। अच्छा डिसेंट्रलाइज व्यवस्था का मतलब होता है, अभी अगर अमेरिका कोई दोस्त बैठा है आपका और आपको अगर यहाँ से पैसे भेजने हैं तो आपको बैंक जाना पड़ेगा और आपको पैसे का लेन देन करना पड़ेगा, तो 10 दिन बाद दोस्त को पैसा पहुंचेगा। यही था ना नियम, तो यही था ना। गांव से अगर किसी को शहर से कमा के पैसे भेजने हैं तो शहर से पहले बैंक जाएगा या पोस्ट ऑफिस जाएगा, मनी ऑर्डर करेगा, रजिस्ट्री करेगा, ऐसे कर करके पैसा पहुंचता था। डिसेंट्रलाइज व्यवस्था आने का मतलब था आपको चाहिए पैसा और मैं देने वाला हूं, तो मैं बैंक नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट यहां से आपका एक रिसीविंग एड्रेस मंगाऊंगा और मैं यहां से पैसा डायरेक्ट भेज दूंगा आपको। तो बैंकों को बायकॉट करने के लिए, क्योंकि बैंकों में धांधली बहुत होती है, बैंकों में चार्जेस बहुत कटते हैं और बैंक डूब जाते हैं तो पब्लिक का पैसा खा जाते हैं। सरकार 10 लाख रुपए जमा करो बैंक में, अगर सरकार ने बैंक बंद कर दिया और बैंक डूब गया तो आपको सिर्फ 5 लाख देने की गारंटी है, पहले 1 लाख था, अब 5 लाख देगा। आपने 50 करोड़ भी रखे होंगे ना, तो सरकार सिर्फ 5 लाख रुपए देगी आपको। अच्छा सरकार कहती है कि हमारी गारंटी नहीं है, बैंक अगर डूबेगा तो आपके पैसे को इस्तेमाल कर सकता है खुद के बचाव के लिए वो, और बिल्कुल पैसा नहीं देगा आपको, ये सरकार के प्रावधानों में लिखा हुआ है। हाँ तो ये कोई गारंटी लेकिन नहीं कि सर बैंक में पैसा रखना सेफ है। लोग बैंकों में पैसा नहीं रखते, इसलिए एसेट बनाते हैं, लोग सोना खरीद के रख लेते हैं, लोग हीरा मोती खरीद हाँ के रख लेते हैं, प्रॉपर्टी खरीद के रख लेते हैं, क्योंकि उनको तो मालूम है। सर जैसे जैसे मान लीजिए कि अगर ये अगर सिस्टम चल रहा है इतने साल से तो इसमें ये भी तो एक वॉलेट मतलब बैंक के ही सिस्टम से चलता होगा। ये KYC करके आप बैंक से कनेक्ट कर सकते हैं, इसको बैंक की जरूरत नहीं है, ये आपस में डील अच्छा करने के लिए है, ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। तो अभी अभी इसके यूजर तो जैसे आज हम जैसे मान लीजिए मिर्जापुर से हैं तो यहाँ तो अभी इसका हमको मतलब कि कोई दिखाई नहीं दिया, हम तो अपने से जो है फोन करके इसको ज्वाइनिंग लिए हैं,
लेकिन यही कह रहे हैं कि अभी तो भाई मतलब इसका भी बहुत ज्यादा स्कोप नहीं मतलब वो फैला है, तो लोग यही समझ रहे हैं कि भैया ये कहाँ से नया आ गया, ऐसे तो बहुत आते जाते रहते हैं यार, ऐसे सब बना के जो है ग्रुपिंग अपना जो है। क्या है ना, जब कोई चीज नई होती है कमाने का मौका तो तभी होता है, जो एमवे में शुरू में लगे थे कमाया तो उन्होंने ही है। आज एमवे में लगने वालों के लिए बड़ा मुश्किल है प्रोडक्ट बेस में काम करना। आप हाँ, किसी भी एमएलएम में ले लीजिए, किसी भी एमएलएम में ले लीजिए, आज एमवे की तर्ज पे सैकड़ों कंपनियां काम करती हैं, वैसे प्रोडक्ट बेचती हैं, उसी मॉडल पे बाइनरी पे लाती हैं, एमएलएम के प्रोजेक्ट्स लाती हैं। पहले आसान होता था कि शुरू में जो जुड़ गए उनके लिए फायदा। अच्छा मुझे बताओ, अगर आज ये 45 लाख लोग हैं, कल को 4 करोड़ लोग हो जाए, आपको पूछेगा या आकर के आप जुड़ोगे कि नहीं? नहीं तो बढ़ता ही जाएगा और जो है की पूछेगा जो है। 4 करोड़ लोगों के बाद आपका नंबर आए या 4 लाख लोगों में आपका नंबर आ जाए, फायदा कब होगा? नहीं जब 4 लाख में आएगा तभी फायदा है, जब शुरू में आ जाओगे तभी फायदा है। तो ये वही सिस्टम है। अगर ये कल को जैसे आमिर खान आज फोन पे की ऐड करता है, अगर कल को ये किसी हीरो के हाथ में पकड़ा दिया जाए, आपको मेरे को चवन्नी नहीं देगा, ये कहेगा तुम्हारी जरूरत क्या है मुझे। ब्रांड एम्बेसडर को खड़ा करके माल बेच लेना नहीं, तो है बस ना? सर इसका तो बस यही फंडा है कि भाई भीड़ भीड़ को पैसा देती है। यस, और जैसे भाई हाँ। गांव में किसी की शादी में आप जाते हैं पॉकेट पहुंचा के आते हैं कि नहीं पहुंचा के आते हैं? अगर नहीं गए तो किसी के हाथ से नहीं, तो कुछ लोग ये भी जो है सवाल करते हैं कि भीड़ भीड़ को पैसा देती है, हम मानते हैं, लेकिन ये कैसे हम माने कि जो है 156 देशों में चल रहा है और अमेरिका से आया हुआ है? हो सकता है कि कोई इंडिया में ही एक ग्रुपिंग बना के और सॉफ्टवेयर डाल के अपना काम करता हो। आप, हाँ। आप आपको अगर आज जमीन खरीदनी है, आप दुबई में खरीदेंगे या आप अपने एरिया में आसपास खरीदेंगे? नहीं, हम तो अपने एरिया में ही खरीदेंगे। खरीदेंगे ना, तो अगर ये भारत में ही चल रहा है तो क्या दिक्कत है बताओ? भारत के ही लोगों को पैसे की जरूरत है, $1.75 हाँ। रुपए का है हमारे लिए, अमेरिका में तो $1 1 रुपए के बराबर है। उनके लिए $30 मतलब 30 रुपया, क्या करेंगे वो 30 रुपए का प्लान? नहीं, और वो भी कहें कि अगर पैसा भी मिल रहा है 32 लाख रुपया, तो आज से 10 साल भी लगेगा, तो हम कहा आपको दिक्कत क्या है? जैसे आपको नॉन वर्किंग का पैसा मिल रहा है ना, आठ लेवल में आठ जो है राउंड में आपको पैसा मिलेगा, तो क्या दिक्कत है? आप काम करेंगे तो और मिलेगा, तो हम बताते हैं सबको, समझाते हैं, लेकिन वही कि क्या प्रमाण है, क्या क्या सर्टिफिकेट है इसका, यही सब पूछते हैं। प्रमाण और सर्टिफिकेट तो यही है कि जब काम करते हैं तो पैसा मिलता है, प्रमाण और सर्टिफिकेट वजन कम होने का भी नहीं होता है। आप मेरे को देंगे, मेरे पर दवाई असर करेगी और आपके ऊपर हो सकता है वो दवा असर ना करे। तो मेडिसिन में भी ऐसा होता है, एक ही डॉक्टर सबको सूट नहीं करता, वरना दुनिया में एक ही डॉक्टर होता है, हर गली मोहल्ले में डॉक्टर होते हैं, किसी को किसी की दवाई सूट करती है, किसी को किसी की दवाई सूट करती है, इसीलिए तो हजारों कंपनियां बनी। क्रोसिन बनाने नहीं, वाली तो सर यही बात है कि बस लोग यही पूछ रहे थे कि सरकार चलो इसका कोई परमिशन है ना, कोई जो है मान्यता प्राप्त है, कौन सी मान्यता चाहिए आपको? प्रधानमंत्री जी बोले ये परलवाइन करो, अरे ये बेवकूफ लोग तो यही चाहेंगे कि प्रधानमंत्री बोले, जब प्रधानमंत्री बोल देंगे कहेंगे ये तो भारत वाले प्रधानमंत्री ने बोला है, जो बाइडन को लाओ, अमेरिका वाला बोलेगा तो करेंगे, अमेरिका वाला बोल देगा तो कहेंगे नहीं शेख को बुलाओ जो दुबई से रहता है, वो बोलेगा तब हम करेंगे। तो ये लोगों की खुजली है, ये खुजाते रहते हैं, तब तक खुजाएंगे जब तक उसमें से खून ना निकलने लग जाए, मजा आता है ना खुजलाने में लोगों को। हाँ, नहीं वही पूछ रहे हैं कि एमए तो भाई सरकार से मान्यता प्राप्त है, कोई तो सरकार जो है से मान्यता प्राप्त नहीं है, सरकार ने सबको डिलीस्ट कर दिया, सबको एक कटघरे में सरकार ने खड़ा किया है, सारी की सारी एमएलएम नेटवर्किंग कंपनी को सबको फ्रॉड बता दिया सरकार ने, सब बंद कर दिया है। सरकार कहती है कि ये सब की सब जो है ये इलीगल कॉन्सेप्ट है, सरकार पिरामिड स्कीम हो, एमएलएम हो, नेटवर्किंग हो, सबको एक ही श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया, चाहे वो क्रिप्टो हो, सब ये डिजिटल वर्चुअल असेट्स में जाएंगे और वहां से कमा करके आपको टैक्स 30% का दे करके आपको ये पैसा मिलेगा। अभी तो थोड़े दिन पहले तो निर्मला सीतारमण ने डिलीट किया है सबको, सबको एक ही कैटेगरी में खड़ा किया है। हाँ, हमको अभी एमएमए के ही बता रहे थे, कह रहे हैं कि ऐसा है कि इसमें जो है ये है ना कि सरकार इसमें क्या है, मोदी सरकार इसके पहले पिछले पंचवर्षीय में इसका इसमें उद्घाटन भी मतलब किया है, तो हम कहा कि उसका वीडियो भी उसका उसका वीडियो भी हमको भेजे थे जब हम उसमें जुड़े थे। अरे मोदी मुझे एक बात बताओ, 2000 रुपए में कौन सी खुजली खुजला रहे हो आप? बीटेक लगाओ और काम पे चलो, खुजलाते ही बैठे हो आप तो। ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये 2-4 लोग जो बोलते हैं आप उनके चक्कर में पूरी जो 140 करोड़ लोग पड़े हुए जो आपके साथ धंधा कर सकते हैं आपको दिखाई नहीं दे रहे। अरे वो एमबे लेकर के बैठे हैं, एमबे खुजाने दो ना उनको, आप ऐसे लोगों को भी पकड़ो जो एमबे नहीं करते हैं। एमवे में 4-6 हजार का प्रोडक्ट खरीदोगे नहीं, धंधा शुरू नहीं करोगे। नहीं, ऐसे लोगों को भी हम पकड़े हैं तो उनका सवाल यही रहता है कि क्या प्रमाण है, क्या वो है, ऐसे वैसे है ऐसे पैसा कैसे हमको मिल जाएगा 32 लाख 8 साल में। मुझे एक बात बताओ, किसी की शादी में कभी 100 रुपए दिए क्या आपने, या मुफ्त में खाना खाया है? नहीं, शादी में तो भाई देते हैं पैकेट की नहीं देते हैं?
देते हैं ना, 150 रुपए देते हैं कि नहीं देते हैं, 500 रुपए 1000 रुपए कभी दिए किसी की शादी में? हाँ, वो तो अपना जैसे व्यवहार रहता है जिसका जैसे अपना हाँ, देता जाते है। हैं शादी में, क्यों देते हैं? ताकि जब आपके घर पे कभी ऐसा कोई त्योहार आए या कभी कोई शादी ब्याह का फंक्शन हो तो आपके घर पे लौट के आता है वो पैसा कि नहीं आता? हाँ, क्यों नहीं आएगा, जब हम व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ ही व्यवहार होगा। बिल्कुल यही व्यवहार इसके साथ में है। ये बिरादरी जो है परलवाइन की, ये यही व्यवहार पे चल रही है कि आप देते हैं इसलिए आपको मिलता है, आप देंगे नहीं मुफ्त में खाना खाएंगे, आके डकारेंगे, चार बात गरियाएंगे और निकल जाएंगे तो नहीं मिलेगा। तो जो लोग इसमें नहीं आना सर, चाहते हैं उनके लिए ये नियम है, और ये नियम अगर पटता है तो इस शादी में आइए, वरना जहाँ पे बारात सजी हुई है वहां पे जाकर के खाइए पिए। जो प्रोडक्ट बेस्ड वाले हैं ना, उनकी बुद्धि थोड़ी सी जड़ होती है, वो सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। जब नया नया प्रोडक्ट आया था एमवे, तो नया नया संभावना थी, नया था उस टाइम पे, बहुत लोगों ने किया और बहुत लोगों ने पैसा कमाया। उसी तरह ये भी एक नया नया कॉन्सेप्ट है जो लोगों को इस तरह से पैसा दे रहा है। इस वक्त कोई ऐसा मॉडल नहीं है जो लोगों को इस तरीके से पैसा दे रहा है, एक नई तकनीक पे आया है ये। अगर ये तकनीक समझ में आ जाती है तो आप इसके साथ जुड़ सकते हैं, नहीं समझ में आती है तो फिर कल को 10 साल बाद लोग यही कहेंगे कि यार जुड़ गए होते तो अच्छा था। हाँ, नहीं वही चीज, वही तो हम भी कर रहे हैं कि अभी तो 3-4 साल हुआ है इंडिया में आए हुए, तो हम लोगों से कहते हैं जो काम नहीं करते, जैसे जो किसी जो है नेटवर्क में या कंपनी में काम नहीं करते उनसे भी हम जो है कहते हैं, तो बस यही कहते हैं भैया 32 लाख नॉन वर्किंग का पैसा हमको कैसे मिल जाएगा, हमको जो है उसका देखो, उसको चार हमको बार आप ये समझाइए। सवाल पूछ चुके हैं, चार एग्जांपल से मैं आपको समझा चुका हूँ कि अदला बदली तभी होती है जब आप किसी सिस्टम में होते हैं। जब आपने किसी की शादी में पॉकेट दिया तो आपको बदले में मिला, यही आदान प्रदान है, यही क्राउड फंडिंग है। अब ये क्राउड फंडिंग आप समझा ही नहीं पा रहे हैं लोगों को कि मंदिरों में दान मिलता है, कौन देता है? पब्लिक ही तो देती है। सरकार को टैक्स मिलता है, कौन देता है? पब्लिक ही तो देती है। तो इसमें आने वाली पब्लिक ही दे रही है आपको पैसे। रही बात इसकी सेवाएं यूज करने की, तो हो सकता है कि कल को एमवे का प्रोडक्ट भी इसकी वेबसाइट पे बिके, क्योंकि इसका शॉपिंग पोर्टल है। एमवे की अपनी अच्छा, सिर्फ एक अच्छा। एप्लीकेशन है, इसका एक शॉपिंग पोर्टल है, और शॉपिंग पोर्टल अमेजोन मिंत्रा फ्लिपकार्ट आप जानते हैं कितने बड़े पोर्टल्स हैं और क्या क्या नहीं बिकता है। हाँ, कॉन्टेक्ट करके अपना जो है वो सब लिस्ट काम कर देंगे। आगे। मुझे एक बात बताओ, क्या एमवे को 40 लाख ग्राहक मिले और एमवे अपना सामान नहीं बेचना चाहेगा 40 लाख लोगों को? क्यों नहीं बेचेगा, एमवे ग्राहक ही ढूंढ रहे हैं ना। तो अगर कल को पर्लवाइन के एप्लीकेशन पे आकर के 40 लाख ग्राहक मिल जाएं इसको, तो एमवे कल को हो सकता है कि पर्लवाइन के साथ उसके शॉपिंग पोर्टल के साथ टाई अप कर ले और अपने प्रोडक्ट बेचे, कंसल्ट हो जाए उसका। बिल्कुल भाई, आप छोटी सी एरिया में दुकान चलाते हैं, आप भी तो चाहते हैं कि आपका माल ऑनलाइन बिके, क्योंकि ऑनलाइन के ग्राहक बहुत हैं। हाँ, लोकल एरिया में तो 25-50-100 घर होते हैं जिनसे दाल रोटी चलती है लोगों की, लेकिन ऑनलाइन जाने का मतलब आप पूरी दुनिया में हो गए। हाँ, नहीं नहीं सर, हमको तो समझ में आ गया है, हम हाँ, तो तो समझ रहे हैं, लेकिन आप समझाइए हाँ, लोग क्या कहते हैं, कब तक लोग कहेंगे? लोग कहते हैं आपने 2 बच्चे क्यों पैदा कर लिए, लोग बस कहते हैं हम आपने यही शादी क्यों चाह कर रहे हैं, ली, आप लोगों हम का यही हुकूमत चाह रहे हैं देखिए। कि हाँ 8-10 लोग जब सिस्टम में जुड़ जाएंगे ना, तो धीरे धीरे जब सिस्टम को समझेंगे तो वो जो है तेजी से काम करने लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी जो देखिए है ये आप समझा समझ पाएंगे नहीं पा रहे हैं अभी कि नहीं, एक नया नाम समझ रहे हैं नहीं नहीं कि नहीं। आप इसे समझा नहीं पा रहे हैं। रोज के 30,000 लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है इसमें, रोज नहीं, के ये 30,000 यही हम लोग आ रहे बताए हैं। हैं। अब 30,000 लोग मामूली नहीं होते, 30,000 एमएलएम में नहीं जुड़ते हैं रोज किसी में, और खुद जुड़ रहे हैं लोग, तो एक टाइम ऐसा आएगा लाइन लगा करके जुड़ेंगे, लेकिन तब तक आप कुछ लोगों को जोड़ लीजिए अपने साथ ताकि आपकी टीम बनाने में आपको सरलता हो, वरना क्या है नुकसान हो जाएगा आपका। आप इतने अच्छे नेटवर्कर होते हुए भी, इतने बोल बच्चन होते हुए भी, अगर आप टीम नहीं बना पाए तो लानत है साला। नहीं तो आपकी सर, कम से बोल कम हम बच्चन है, बातचीत अच्छी करते हैं आप, सवाल जवाब के तर्कों पे सही उतरते हैं आप, तो आप अगर जो आदमी मानता है, अब दुनिया का हर आदमी तो नेटवर्किंग कर नहीं रहा है नहीं ना? नहीं सब लोग कहा, कुछ ना जिसको कुछ जहाँ बाकी अच्छा लग रहा व्यवसाय है भी अपना कर कर रहे हैं ना रहा है। लोग, कुछ ना कुछ बाकी हाँ व्यवसाय कर रहे हैं। तो जो लोग बाकी व्यवसाय कर रहे हैं ऐसे पकड़ो, जो पके हुए नेटवर्कर्स है ना, जिनको 20 साल 30 साल का अनुभव, ऐसे जड़ बुद्धि के लोगों को लाओ ही मत, उनके दिमाग पे इतनी मोटी परत चढ़ी हुई है वो हटती नहीं है, कमाया साला चवन्नी ना उन्होंने, लेकिन नहीं वही बस चौधराना बड़ा बड़ा करेंगे वो लोग। तो ऐसे हाँ, प्रोडक्ट चौधराने ही वाले है। लोगों को साइड में रखो, बोलो भैया आप जो कर रहे थे वही करो यार, आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा आदमी आकर के अपनी नेटवर्किंग की बातें छांटने लगेगा आपकी टीम के साथ में, करा उसने कुछ भी नहीं होगा। एमवे में भी या बड़े नहीं बड़े नहीं प्रोडक्ट्स में, एमएलएम में भी काम करके लोगों के पास चवन्नी नहीं है आज की तारीख में, तो कहीं ना कहीं तो अरे नुकसान सर, है, उनकी अपनी की कमाई पूरी नहीं पड़ी। उनको कमीशन कैसे मिलता है, उसमें भी तो लोग जुड़ते ही हैं, जब प्रोडक्ट लेंगे तभी ना उनको कमीशन मिलेगा उसका, हाँ तो तभी ना इनकम होगा। आप उन्हें यही समझाइए कि भैया ये एक नया प्रोडक्ट है, ये 2,250 में बिकता है, जब ये बिकता है तो इसका 50% कमीशन आपके खाते में आता है, बस इतना ही बताना है आपको। जिस तरह से एमवे के ढेर सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, बहुत जानी मानी कंपनी है, पेरेंट कंपनी है एमएलएम की, उसी तरह से पर्लवाइन के भी 12 प्रोडक्ट्स हैं,
12 प्रोडक्ट्स हैं, 2250 का सबसे छोटा प्रोडक्ट है और 15 लाख वाला सबसे बड़ा है, बताओ कितने लोगे आप? अगर छोटा लेते हो तो 2250 रुपए में मिलता है, ये खरीदने के बाद जैसे आप एमवे का जाकर के टूथपेस्ट बेचते हो तो कमीशन बनता है, वैसे इसका ये बटुआ बेचोगे तो कमीशन बनता है, वहां आपको 5% 10% मिलता है, यहाँ पे आपको 50% मिलता है। एक बटुआ बिका 1200 रुपए आपको मिल जाता है, दो बटुए बिके 2400 रुपए मिल गए, 10 बटुए बिके 12000 रुपए मिल गए, तो ये भी बेचो और पेस्ट भी जाकर के बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। एमवे के ग्राहक परलवाइन बेच लें, परलवाइन के ग्राहक एमवे वाले को मिल जाएंगे, तो दोनों अदला बदली तो कर सकते हैं, क्यों काट छांट कर रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के फायदे बताइए कि एमवे वाले को 40 लाख ग्राहक मिल रहे हैं, जोड़ लो ना जितने जोड़ने हैं आपको एमवे के लिए। और एमवे हो सकता है कि कल को एमवे जैसे सारी कंपनियां, चाहे वो मोदी केयर, टपरवेयर, चाहे वो माई लाइफस्टाइल, जितने भी हैं, ये हो सकता है कि कल को इसकी शॉपिंग पोर्टल पे लिस्ट हो जाए ये सारे प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट्स मिले। भाई अगर इसकी साइट पे एप्पल का मोबाइल मिलता है, इसकी साइट पे सैमसंग का मोबाइल मिलता है, वीवो का मिलता है, तो कल को कार्बन का भी मिलेगा, माइक्रोमैक्स का भी मिलेगा, कोई नई कंपनी आएगी उसका। हाँ, तो जैसे जैसे उसका जो है वो बढ़ता जाएगा क्रेज, वैसे वैसे जो है सब कंपनी जुड़ती जाएंगी। दुनिया के हर आदमी को माल बनाने के बाद बाजार चाहिए बेचने के लिए, 40 लाख लोगों का बाजार बैठा हो और लोग कहें नहीं हम तो इसमें आएंगे ही नहीं, तो मूर्ख है, उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। नहीं नहीं ठीक है सर, हम तो समझ गए, ठीक है, हम जो है अपने हिसाब से अपना काम करेंगे। अपनी भाषा में थोड़ा सा बदलाव कीजिए, लोगों को बताने का तरीका बदलिए तो लोग सुनेंगे। आप इसे प्रोडक्ट की तरह ही बताइए कि भैया ये प्रोडक्ट बेचना है यार इतना मिलता है, अभी मेरे को एक नया प्रोडक्ट मिला वो बेचते हैं तो इतना मिलता है, लोगों को तो कमाई से मतलब। आज दिन में 1200 रुपए कमाने के लिए एड़ियां घिस जाती हैं, जूते चप्पल घिस जाते हैं और नहीं बनते हैं लोगों के, छिलके उतर जाते हैं पैरों के। नहीं सर, वही बात है ना कि अब हम अभी तो हम जुड़े ही हैं और ज्यादा जो है जवाब सवाल करते हैं तो हम भी थोड़ा हो जाते हैं कि नहीं, आपको समझ में मैं वही सोच रहा हूँ कि आप जो बताने में तर्कों में फेल हो रहे हैं क्योंकि आपने थोड़ी सी स्टडी कम की है। नेटवर्कर एक तो सुनने को तैयार नहीं होता, सीखने को तैयार नहीं होता, उसको लगता है जो मेरे को आता था ना उसी से काम चल जाएगा मेरा। भाई जब नया तो नया सीखना पड़ता है, नई बीवी हो चाहे नया मोबाइल हो, नई गाड़ी हो चाहे कुछ भी नया हो, शुरू में समझ नहीं आता, थोड़े दिन उसके फंक्शन समझने में टाइम लगता है, और एक बार समझ में आ जाए तो गाड़ी बड़ी मक्खन की तरह चलती। अब सर एक लोग हमसे मांगने लगे कि अगर कोई इसमें अगर पैसा मिला है 4 लेबल का तो हमको 60 स्क्रीन भेजिए, ये भी मांग रहे हैं कि कहाँ से। बिल्कुल प्रकाश जी भेजेंगे आपको स्क्रीनशॉट, क्या दिक्कत है, रोज मिलते हैं स्क्रीनशॉट। हम दिए हैं इन लोगों को, रोज मिलते हैं, बोलो मीटिंग में आ जाओ, लाइव दिखा भी देंगे आपको बटुआ, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर ठीक है, कोई 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 दिक्कत नहीं, हमको जो होगी तो हम सर से तो पूछ लेते हैं। कोई अभी आपको क्लियर हुआ, आपको कैसे समझाना है लोगों को? सर बस यही समझाएंगे कि जो है कि आप जो है जुड़ेंगे और लोगों को अगर जुड़ेंगे तो आपको उसका 50% तुरंत फायदा मिल जाएगा। यस यस, ये भाषा बताइए ताकि लोगों को दाल रोटी कमाने में मदद हो। अब कोई मजदूरी मनरेगा में जाता है करने के लिए, ये देख के नहीं करता कि भैया ये मनरेगा कहाँ से मान्यता प्राप्त है, वो कहते हैं गढ़ा खोदना तो बस तो यही कहेंगे। हाँ तो यही कहते हैं कि ठीक है, तो हम तो मान लीजिए जुड़ जाएंगे तो हम 4 लोगों को अगर और जुड़ेंगे तो वो भी जो है तो उनका तो कहेंगे भैया आपको क्या मिला, तो आप तो इतना तो वही बताएंगे कि हमको तो ये मिला 50%, आप जुड़ेंगे तो आपको भी मिलेगा। 4 लोगों के जुड़ते ही उनको 5000 रुपया मिल भी जाएगा, ये दिखा सकते हैं वो, देखो भैया मैं जुड़ा, ये देखो 5000 रुपया मेरे पास। अगर उनका 2250 एक भी आदमी जुड़ता है उनके पास तो सीधा सीधा उनके पास 1200 रुपया आता है। तो धंधे में पहले तो लागत लगानी पड़ती है ना, दुनिया का कोई भी व्यवसाय करना है तो पैसा तो लगाना पड़ेगा ना। नहीं ठीक है, हम तो कहें कि आपका पैसा निकल जाएगा, ऐसी बात नहीं, अगर आप समझ रहे कि हमारा पैसा 2250 डूब जाएगा तो डूबेगा नहीं, आप चलोगों का अकाउंट खुलवाइए आपको तुरंत मिलेगा। वो पैसा आपके आपको तुरंत मिल जाएगा बैलेट के रूप में। तो ये तो हम बताते हैं उन लोगों को। ठीक है मिश्रा जी, शब्दों के जादूगर बनिए आप, शब्दों में ही सारा खेल। ठीक, प्रोडक्ट वाले शब्दों में उलझाते हैं, बाकी कुछ नहीं है। प्रोडक्ट वालों ने चमड़ी नहीं कमाई है, चौधराना दुनिया भर का करते हैं, चौधराने को साइड। अरे 7-8 साल हो गया, अब किस महीने में जो है 30,000 आएगा, किसी में 20,000 आएगा, किसी में 25,000, जैसा प्रोडक्ट बिक्री होगा वैसा उनको कमीशन मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ देखो, जब तक सामान दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट बने जब तक बिकेगा नहीं तब तक पैसा रोलिंग होगा नहीं। तो परलवाइन भी तो अपने 12 बटुए बेच रहा है, जो छोटा बटुआ खरीद रहा है उसको छोटा पैसा मिल रहा है, जो बड़ा खरीद रहा है उसको बड़ा पैसा मिल रहा है, और कौन दे रहा है? तो जो उनके बाद खरीदार आए वो वही पैसे दे रहे हैं उनको, बस उसी आपस में सबका लेन देन सबका हो रहा है, सबको मिल रहा है। एमवे में भी तो उसी से ही हो रहा है, एमवे में भी उन्होंने सामान बेचा, जिनको बेचा जब वो दोबारा आगे बेचते तभी तो इनके पास पैसा आता है। तभी आएगा। मोटी बुद्धि में इनको समझ में नहीं आता एमएलएम वालों को कि भाई हमने किसी को जोड़ा और वो किसी को जोड़ता है, वो सामान बेचता है तभी तो कमीशन आता है, कमीशन का पेड़ पे रखा होता है। या एमवे कहती है अरे
आप ठाकुर साहब हैं, ले लीजिए, आप ले लीजिए, हमसे चार पैसे ज्यादा ले लीजिए। एमवे ऐसा थोड़ी कहता है, वो कहता है चुपचाप बेचो, नहीं बेचा नहीं टारगेट पूरा होगा, चवन्नी नहीं मिलेगी तुम्हें। नहीं ठीक है सर, ठीक है मिश्रा जी, थैंक यू सो मच। हाँ धन्यवाद, ओके अभय प्रकाश जी।